अजीज दोस्तों, सनान सारी का धूप में सफर देख करके आप भी हैरानों परेशान हो जाओगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सनान सारी के पैदलज यात्रा को लेकर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सनान सारी जो कि पैदलज करने के लिए जा रही है, महाराष्ट्र के पालगढ़ से मक्का तक पैदल सफर कर रही है, जो कि बहुत बड़ी हिम्मत और कुर्बानी की बात है। फिर भी लोग सनान सारी को क्या क्या कह रहे हैं कि अकेली औरत कैसे हज कर सकती है, पागल है वगैरह वगैरह, लेकिन सनान सारी ने हिम्मत नहीं हारी और वो अपना सफर रोजाना तय कर रही है। और दोस्तों वो इस वक्त में कहां पर है और सनान सारी ने कितना किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और उनकी कंफर्म लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सनान सारी के पैदल सफर को लेकर बात करने वाले हैं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सनान सारी को नहीं जानते हैं, मैं उनको भी बताने वाला हूं कि सनान सारी कौन है, कहां से चली है। तो सबसे पहले दोस्तों, सनान सारी ने धूप में सफर करते हुए एक वीडियो अपलोड की है, तो पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, सनान सारी ने पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा रखा है, इसलिए वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन सनान सारी कह रही है कि हमारा जो सफर है वो चित रसानी से इकबालगढ़ के लिए शुरू हो चुका है और बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और वीडियो में सूरज दिखा रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज एकदम पास में ही है और टेम्परेचर 45 है, इतनी गर्मी में भी मुझको सफर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, सनान सारी ने 600 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और लगभग 50 दिन उनको अपने घर से निकले हुए हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सनान सारी की अभी की आई हुई दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें सनान सारी ने क्या कहा है वो आप सुन लीजिए, फिर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सबको पता है, मैं गुजरात में हूँ और गुजरात में जो है चित्रासनी, वहाँ पर मैंने स्टे किया हुआ है और इंशाल्लाह हमारा जो सफ़र है आज वो आगे के लिए स्टार्ट होगा इकबालगढ़ के लिए। अभी थोड़ी देर में हमारा जो सफ़र है वो शुरू होने जा रहा है इकबालगढ़ के लिए। तो आप सबको पता है गुजरात में टेम्परेचर बहुत हाई है, यहाँ पर 46-45 टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर गर्मी बहुत है गुजरात में। तो अभी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम थोड़े दिनों में, बस 2-3 दिनों में हम जो है राजस्थान बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। तो एक बॉर्डर तो हमने क्रॉस कर लिया है, कर लिया था महाराष्ट्र का, अब दूसरा बॉर्डर भी हमने गुजरात का जो है वो हम कुछ ही दिनों में क्रॉस कर लेंगे। तो आप सब दुआ करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।